और किस तरह से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम को एक ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लॉय किया जाता है, प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और अंडर कन्वेंशनल कॉस्टिंग हमने कैलकुलेट की, कंपैरिजन किया, और इसके अलावा हमने ये सजेस्ट किया कि अगर हम कन्वेंशनल कॉस्टिंग के मुकाबले में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करेंगे तो उसके नतीजे में हमारे प्राइसिंग डिसीजन किस तरह से रिफाइन हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स तो अंडर कॉस्ट भी होती हैं और अंडर कॉस्ट होने की बुनियाद पर अंडर प्राइस्ड होती हैं, उनकी प्राइसिंग सही कैसे की जा सकती है, और लाइक वाइज जो ओवर प्राइस प्रोडक्ट हैं उनकी एक्यूरेट कॉस्टिंग के जरिए प्राइसिंग डिसीजंस को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। सो यू आर गिवन विद हैंड आउट ऑल्सो, जिसमें से एक कॉम्प्रिहेंसिव जो क्वेश्चन था, तमाम स्टेप्स हमने यहाँ पे सॉल्व किए थे, वो सॉल्व जो एक्सेल फाइल थी वो भी आपसे शेयर हुई थी। तो अगर आप लोगों ने उसको प्रैक्टिस किया है, उसमें से जो मजीद क्वेश्चन थे, तो आई हैव आस्क्ड इनफैक्ट कि आप उन क्वेश्चंस को सेकंड फेज में रखें, पहली फेज में आप बुक पे जाएं और बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं थ्योरेटिकली पहले पढ़ें और जो बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको सॉल्व करें। इफ़ यू हैव एनी इशूज़ रिगार्डिंग दैट तो आप वो डिस्कस कर लें, अदरवाइज मैं एक दो चीज़ें और डिस्कस करता हूँ इसी से रिलेटेड, बट अगर कोई सवाल है आपका तो आप सवाल कर सकते हैं। सो बाय रेजिंग हैंड यू कैन रेज योर क्वेश्चन, आप हैंड रेज करें, मैं आपको अलाउ कर देता हूँ, आप बात कर लें अपनी। अगर कोई जहन में क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम आप शेयर करना चाहते हैं वाइल स्टडिंग जो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हुए आपने पढ़ा उसको, उसमें कोई कन्फ्यूजन है या आपने कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हैं और उसमें कोई कन्फ्यूजन है और आप डिस्कस करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। जी राजा सदाम साहब, आपका कोई सवाल है? मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? अगर कोई इसको रिस्पॉन्ड कर दे, आई नो कोई सवाल नहीं है तो इसका मतलब ये है या तो आवाज नहीं आ रही है, वाकई कोई सवाल नहीं, इज नो क्वेश्चन एट ऑल। जी जहाजेब, आप सवाल कर सकते हैं। जी जहाजेब, यू आर अलाउड टू टॉक। जहाजेब अख्तर जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जेंटलमैन। हेलो जी, आपकी सर कल क्लास होगी? कल ऑफ कर मैं करूं सर, क्लास होगी ना कल? कल क्लास होगी, ये तो मैनेजमेंट से पूछा जाना चाहिए, वैसे मेरा तो ख्याल है कि नहीं होगी बिकॉज इट्स एन ऑफ डे। जी 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 जी, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। मैनेजमेंट ने डिसाइड किया होगी तो मुझे भी कम्युनिकेट कर देंगे, आपको भी, वैसे पेरेंट्स जी जी के लिए है तो शायद नहीं होगी। जी सर, ठीक। जी, इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन, कोई सवाल है किसी के जहन में, कोई बात पूछना चाहते हैं बताएं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे अपने पार्ट डिटेल में की थी, मैं एक आध और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपसे शेयर कर देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ, बट इफ you have any question, any query regarding this topic, तो आप अपना सवाल रेज कर सकते हैं, because it was all about which we have discussed in the last session about activity based costing. So I'm once again asking if there's any question in your mind, you may raise your question now. ओके, इफ देयर इज नो क्वेश्चन, मैंने एक दो चीज़ें और, मतलब उसी तरह की प्रैक्टिस है, आपसे डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, बट वी हैव टू डू, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो चले अब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिकॉज प्रॉबेबली देयर विल बी एन ऑफ टुमारो,
सो इफ देर इज नो क्वेश्चन अबाउट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो कॉन्सेप्ट तो मैंने कन्वे कर दिया है, नाउ रेस्ट इज प्रैक्टिस। जितनी आप करेंगे उतने आपके बेनिफिट के लिए होगा। सो ये मैंने अभी हैंड आउट जो है ग्रुप में शेयर किया आपके साथ, इन एडिशन टू द हैंड आउट विच वॉज से शेयर्ड इन द लास्ट क्लास। और इसके अलावा भी जो मटेरियल बुक में है आपको पढ़ना और प्रैक्टिस करना है, आप करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट ज़रा बेहतर हो जाएंगे। ओके, देयर इज अ कंपनी वीडियो प्लस इनकॉर्पोरेशन मैन्युफैक्चर्स टू टाइप ऑफ डीवीडी प्लेयर्स, अ डिलक्स मॉडल एंड अ स्टैंडर्ड मॉडल। डिलक्स मॉडल इज अ मल्टी फॉर्मेट प्रोग्रेसिव डीवीडी प्लेयर विद नेटवर्किंग कैपेबिलिटी, डॉल्बी डिजिटल एंड डीटीएस डिकोडर। उस प्रोडक्ट की फीचर बताएगी, एक डिलक्स मॉडल है एंड दूसरा स्टैंडर्ड मॉडल। प्राइमरी फीचर इज प्रोग्रेसिव स्कैन। एनुअल प्रोडक्शन इज 50,000 यूनिट्स फॉर डिलक्स एंड 20,000 यूनिट्स ऑफ स्टैंडर्ड। 50,000 यूनिट्स आप डिलक्स के बनाते हैं, 20,000 यूनिट्स स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के बनाते हैं। बोथ प्रोडक्ट रिक्वायर 2 आवर्स। अगर 2 आवर्स दोनों प्रोडक्ट पे लगते हैं फॉर कंप्लीशन, तो 50,000 × 2 अगर करेंगे तो 100,000 आवर्स फॉर डिलक्स एंड 20,000 × 2 करेंगे तो 40,000 आवर्स फॉर स्टैंडर्ड मॉडल। टोटल आवर्स रिक्वायर्ड जो हैं 1,40,000 है। देयरफॉर टोटल एनुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स आर 1,40,000। 2 आवर्स इंटू 20,000 प्लस 50,000, ये ऐसे कैलकुलेट हुए, हमें खुद भी कैलकुलेट करना आता अगर ये ना भी बताया। एक्सपेक्टेड एनुअल मैनुफैक्चरिंग ओवर इट इज़ 1,050,000। 1,50,000 हमारा टोटल फैक्ट्री ओवरहेड है। 10 द प्री डिटर्मिंड ओवरहेड रेट, लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें सारा काम हमने खुद किया था, खुद से प्री डिटर्मिंड ओवरहेड रेट कैलकुलेट किया था। तमाम टोटल फैक्ट्री ओवरहेड और लेबर आवर्स वगैरह और मशीन आवर्स कैलकुलेट किया और उसकी बुनियाद पे हमने डिवाइड करके रेट निकाला। यहाँ पे वो रेट कैलकुलेटेड है। 10 द प्री डिटर्मिंड ओवरहेड रेट इज 7.5। वो कैसे निकाला गया, 1,50,000 का टोटल फैक्ट्री ओवरहेड है एंड 1,40,000 हमारे आवर्स हैं लेबर, उसको डिवाइड करके कंपनी पर डायरेक्ट लेबर आवर जो रेट बनता है वो 7.50 का है। द डायरेक्ट मेटीरियल कॉस्ट पर यूनिट इज 42 फॉर द डिलक्स मॉडल एंड 11 फॉर स्टैंडर्ड मॉडल। दोनों प्रोडक्ट्स के लिए मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट बता दी गई है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 18 पर यूनिट। $18 पर यूनिट आपकी लेबर कॉस्ट है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ तो आपको लेबर कॉस्ट इन टोटल मिल जाएगी फॉर बोथ द डिलक्स एंड स्टैंडर्ड मॉडल। द कंपनी मैनेजर आइडेंटिफाइड 6 एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स एंड रिलेटेड कॉस्ट ड्राइवर्स एंड एक्युमुलेटेड ओवरहेड बाय कॉस्ट पूल एज फॉलोस। परचेजिंग एक्टिविटी का नाम है, उसका ड्राइवर ऑर्डर्स लिखा हुआ है ड्राइवर का नाम, टोटल FOH लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड यूज ऑफ कॉस्ट ड्राइवर जो है वो 400 है और ये 400 जो ड्राइवर है ये खुद ही हमने लास्ट टाइम ये ड्राइवर्स भी खुद कैलकुलेट किए थे, नंबर ऑफ मशीन आवर्स, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स वगैरह, यहाँ पे ये कैलकुलेटेड अवेलेबल है। 400 टोटल ऑर्डर्स होंगे और ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के लिए जिसमें से 100 हैं और डिलक्स के लिए 300 हैं, इन दोनों का टोटल ही वो 400 बनता है। तो ये अब आपको सिर्फ रेट निकालना है, 1,26,000 को 400 से डिवाइड कर देना है। रिसीविंग जो है वो पाउंड्स पे है, 30,000 डिवाइडेड बाय 20,000 रेट निकल आएगा। असम्बलिंग नंबर ऑफ पार्ट्स पे डिपेंडेंट है, ये असम्बलिंग की कॉस्ट है। ये ड्राइवर की क्वांटिटी है 74,000, इसको डिवाइड करेंगे तो रेट मिल जाएगा। देन टेस्टिंग नंबर ऑफ टेस्ट की बुनियाद पे डिवाइड होना है, तो 1,15,000 कॉस्ट है और नंबर ऑफ टेस्ट जो है वो 23,000 है, रेट निकल आएगा आपके पास। फिनिशिंग कॉस्ट जो है उसका NSR नंबर ऑफ यूनिट्स पे है, तो 1,40,000 डिवाइडेड बाय 70,000 यूनिट्स हैं वो 50 और 20 आपके इलम में है, 20 और 50 यहाँ पे भी लिखा हुआ है। पैकेजिंग एंड शिपिंग कॉस्ट, इसकी डिपेंडेंसी जो ड्राइवर है इसका वो पाउंड्स नंबर ऑफ पाउंड है, तो 1,95,000 80,000 पाउंड है, टोटल इससे डिवाइड करेंगे तो रेट मिल जाएंगे। वंस आप रेट वाला टेबल बना लेते हैं, ये जो पहला इतना पार्ट है इससे रेट वाला टेबल बनाएंगे, जो रेट निकलेगा देन उसको स्टैंडर्ड के ऑर्डर से और डिलक्स के ऑर्डर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट वाइज बेस्ड अपॉन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कैलकुलेट हो जाएगी। फैक्ट्री ओवरहेड्स की उसका सम करेंगे तो प्रोडक्ट वाइज आपको फैक्ट्री ओवरहेड मिल जाएगा,
आपने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट कॉस्टिंग के अंदर टोटल कॉस्ट निकालनी है, फिर एबीसी के मुताबिक निकालनी है, और देन यू नीड टू कंपेयर, पर यूनिट भी निकालनी है, टोटल भी निकालनी है और कंपेयर करना है एंड कमेंट करना है विच मेथड इज अप्रोप्रिएट। दोनों में से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम ही अप्रोप्रिएट है। सो क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर कोई इशू है तो आप इसमें, कोई इशू है तो आप इसमें से पूछ लें। अगर आप लोगों ने वैसे सॉल्व नहीं किए पिछले वाले और कोई इशू नहीं था, अगर क्वेश्चन है टाइप करके पूछना चाहते हैं, बाय रेजिंग हैंड पूछना चाहते हैं, बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल। यू मे रेज योर क्वेश्चन नाउ। अगेन जो भी डिस्कस हुआ इससे रिलेटेड अगर कोई इशू है तो अभी पूछ लें। ओके, सिंस देयर इज नो क्वेश्चन, मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने शेयर कर देता हूँ इसी में से, और एक जो लास्ट टाइम हैंड आउट दिया था उसमें से आपसे डिस्कस कर देता हूँ। बॉरिस इनफैक्ट इन योर कोर्ट, आपने ये डिस्कस करना है। मैं जो कि आज वाइंड अप करूँगा इस टॉपिक को, और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बजटिंग से रिलेटेड होगा उस पर बात करेंगे। तो अगर कोई है इस तरह का तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, इट्स अनदर क्वेश्चन। जी कनेड इलेक्ट्रॉनिक्स, जी कनेड इलेक्ट्रॉनिक्स manufactures two home theater system Elite which sells $1400 and a new model the preferred which is sell for $1100. $1100 का एक यूनिट बिकता है जो नया मॉडल है उनका, जिसका नाम प्रेफर्ड है। द प्रोडक्शन कॉस्ट कंप्यूटेड पर यूनिट एंड ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम फॉर ईच ऑफ द मॉडल इन 2017 वाज एज फॉलोस। एलीट की जो कॉस्ट निकाली गई है वो 600 डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर 20 पर आर, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 35 पर डायरेक्ट लेबर आ रहे हैं। अगर हम चाहें तो हम एक प्रोडक्ट के लिए कितने आवर्स लगते हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। 100 की लेबर है 20 आवर्स, दूसरे लफ्जों में 5 घंटे लगते हैं। इसी तरफ 35 × 5 करेंगे तो आपको 175 मिलेगा। तो 875 आपकी सेलिंग कॉस्ट बनती है एलीट की। एलीट प्रोडक्ट जो है वो 1400 की सेल होती है। अगर 1400 की सेल हो, आप प्रॉफिट निकालना चाहें इस प्रोडक्ट का, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1400 में से 875 अगर माइनस कर दें तो आपको पर प्रोडक्ट पर यूनिट प्रॉफिट मिल जाएगा, जो कि 525 बनता है। जबकि प्रेफर्ड मॉडल की जो कॉस्ट है वो 320 है, मटेरियल की डायरेक्ट लेबर लगती है 80 की, 20 पर आर रेट है तो 4 आवर्स लगते हैं। FOH जो है मैनुफैक्चरिंग ओवरहेड लेबर आर पर बेस करता है, 35 पर डायरेक्ट लेबर आ रहा है तो 4 × 35 करेंगे 140 होगा। 540 की कॉस्ट है, 1100 की ये प्रोडक्ट बिकती है। 1100 में से अगर आप माइनस करें जो आपकी कॉस्ट है 540 की, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो 560 है। तो अब एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट जो है वो 560 है। इससे पहले वाली प्रोडक्ट का अगर आप रिकॉल जहन में ले आए दोबारा, तो वो 525 था। सो बेस्ड ऑन दिस आपको लग रहा है कि जो प्रेफर्ड प्रोडक्ट है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। इन 2017 कैनेड मैन्युफैक्चर 20,000 यूनिट्स ऑफ एलीट एंड 10,000 यूनिट्स ऑफ प्रेफर्ड। द ओवरहेड रेज 35 पर डायरेक्ट लेबर आर वो डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग टोटल एक्सपेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो कि 49 लाख है बाय द टोटल डायरेक्ट लेबर आर्स 1,40,000। 1,40,000 के टोटल लेबर आर्स लगते हैं
वो कैसे कैलकुलेट हुए हैं, 20,000 यूनिट्स आप बना रहे हैं एलीट के, और एलीट के लिए 5 घंटे लगते हैं एक यूनिट पे, तो 1 लाख बनेगा। दूसरी प्रेफर्ड प्रोडक्ट है उसके लिए 4 घंटे लगते हैं, 10,000 यूनिट्स बना रहे हैं, तो 40,000 दोनों को ऐड कर लें तो आप टोटल कह सकते हैं 1,40,000 डिवाइड करेंगे तो आपको रेट मिल जाएगा जी। फाइन के अंडर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग द क्रॉस प्रॉफिट ऑफ द मॉडल एलीट इज 525 जैसे हमने कैलकुलेट किया था, और प्रेफर्ड मॉडल का 560 है। बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग फेजिंग आउट एलीट, चूँकि जो एलीट प्रोडक्ट है उसका प्रॉफिट आपको कम लग रहा है, 525 है, जबकि प्रेफर्ड का 560 है। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग बेस्ड अपॉन दिस एनालिसिस कि जो एलीट प्रोडक्ट है उसको डिसकॉन्टिन्यू कर दिया जाए, सिर्फ प्रेफर्ड प्रोडक्ट बनाया जाए। बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग फेजिंग आउट एलीट मॉडल एंड इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रेफर्ड मॉडल। Before finalizing its decision, management asks Canadian's controller to prepare analysis using activity-based costing. The controller accumulates the following information about overhead for the year ended December 31st, 2017. उसने ये analysis किया है कि activity purchasing, इसका driver number of orders है, estimated overheads 775 है, और driver का rate 25 है, divide करके rate भी बना दिया गया। रेट बने हुए हैं, मशीन सेटअप का रेट 29 पर सेटअप है, मशीनिंग डिपार्टमेंट का रेट मशीन आर्स पे बेस करते हुए 31 पर मशीन आ रहा है, क्वालिटी कंट्रोल का रेट नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस पे बेस करते हुए 89 पर इंस्पेक्शन है। सो कॉस्ट ड्राइवर फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन बिलो, एलीट के लिए कितने परचेज ऑर्डर्स हैं और प्रेफर्ड के लिए कितने हैं, ये दोनों आपको ड्राइवर्स बता दिए। ये 25-20 वही टोटल क्वान्टिटी ऑफ कॉस्ट ड्राइवर है जो ये लिखी हुई है, ये प्रोडक्ट वाइज एलोकेट। अब आप रेट आपके पास मौजूद है 31 पर ऑर्डर, तो जो परचेज ऑर्डर एलीट के हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली प्रोडक्ट के लिए आपको मिल जाएगा कितना एफओएच बनता है परचेज ऑर्डर्स वाला, परचेजिंग वाला, और इन तमाम ओवरहेड्स को इस तरह रेट्स की बुनियाद पे कैलकुलेट करेंगे और फिर एक्यूरेट कॉस्ट निकालेंगे और आप डिसाइड करेंगे क्या प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट को बंद कर देना हमारे लिए सूद बंद है। ये मैं आपके सामने कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। जी आई होप स्क्रीन नज़र आ रही होगी आपको। हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के मुताबिक पहले रेट बनाने होते हैं, रेट बनाने के बाद कॉस्ट एक्युमुलेट करनी होती है, तो हमें रेट तो बने हुए दिए हैं, पहले हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के मुताबिक हमारी दो प्रोडक्ट्स हैं एलीट एंड प्रेफर्ड, हम उनके पहले ज़रा फैक्ट्री ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कैलकुलेट कर लेते हैं और देन फिर हम उसके बाद इसको आगे लेके चलते हैं। सो आई एम यूजिंग दिस फर्स्ट, पहले ज़रा इसको यूज़ कर लेते हैं, इसकी बुनियाद पे आके चलते हैं। एलीट प्रोडक्ट हमारे पास और दूसरी का नाम प्रेफर्ड है जी।
जी, तो हम यहाँ पे पहले कॉस्ट मेंशन कर लेते हैं और उसके रेट के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे कॉस्ट असाइन कर देंगे। पहली कॉस्ट है परचेजिंग की और रेट आपके पास मौजूद है 30, ड्राइवर का नाम, नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, सॉरी 31 रेट है। तो हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बुनियाद पे ये प्रोडक्ट वाइज नंबर ऑफ ऑर्डर्स मौजूद हैं। एलीट के लिए 11,250 ऑर्डर्स हैं मल्टीप्लाइड बाई रेट 31 है। प्रेफर्ड के लिए जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं हम एंड पे टोटल का कॉलम भी ऐड कर लेते हैं। जी, परचेजिंग कॉस्ट का दूसरा जो रेट हमारे पास है वो 31 है और प्रोडक्ट प्रेफर्ड के लिए 13,750 आवर्स हैं। 13,750 मल्टीप्लाइड बाई 31। फिर अगली कॉस्ट है परचेजिंग के बाद हमारे पास जी मशीन सेटअप की कॉस्ट। जी, रेट है $29 और जितने सेटअप्स हैं उसे मल्टीप्लाई करेंगे। एलीट मॉडल के लिए 11,000 सेटअप्स हैं मल्टीप्लाइड बाय 29 और जो प्रेफर्ड मॉडल है उसके लिए 9,000 सेटअप्स हैं मल्टीप्लाइड बाय 29, 2,61,000। जी, ये सम है इसका। फिर मशीन सेटअप के बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉस्ट जो है वो मशीनिंग की कॉस्ट है। मशीनिंग की कॉस्ट का उसका एनएसआर मशीन आवर्स पे है, 31 रेट है। तो नंबर ऑफ मशीन आवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, 40,000 और 60,000 मशीन आवर्स हैं। 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 31 और 60,000 into 31, ये वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। इन वैल्यूज़ की बुनियाद पे हम आगे चल रहे हैं। जी, और लास्ट वाली कॉस्ट है उसका ड्राइवर और रेट नाम उसका क्वालिटी कंट्रोल है और ड्राइवर नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस है। क्वालिटी कंट्रोल, जी क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट का रेट है 89 और ड्राइवर की क्वांटिटी है 2750 मल्टीप्लाइड बाय 89 एंड देन जी 2250 मल्टीप्लाइड बाय 89 जी। हम इसको रिकनसाइल भी कर सकते हैं। हमारी टोटल कॉस्ट 775 थी, 580 थी, 3100, 445 और यही हमने एलोकेट कर दिया दोनों प्रोडक्ट्स को बेस्ड अपॉन एक्टिविटी को बेस कॉस्टिंग। तो ये हमने टोटल फैक्ट्री ओवरहेड प्रोडक्ट वाइज कैलकुलेट किया है, लेकिन ये बेस करते हैं एक्टिविटी के बेस कॉस्टिंग की बुनियाद पे। नंबर वन तो ये है कि आपने पहले फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट किया। अब आप अगली बात करें कि मसला क्या आ रहा है मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट जो यूनिट्स बना रही है, हमें पता है कनेड 20,000 यूनिट्स बनाती है एलीट के और 10,000 यूनिट्स बनाती है। अगर हम पर यूनिट एफओएच निकालना चाहें तो नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड भी कर सकते हैं। यूनिट्स 20,000 बन रहे हैं और ये 10,000 बन रहे हैं। अगर हम एफओएच पर यूनिट निकालना चाहें वो भी निकाल सकते हैं बेस्ड अपॉन एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग। 10 divided by 10 108 और इसी तरह से 275, ये हमारा पर यूनिट फैक्ट्री ओवरहेड बनता है। मसला क्या आ रहा था मैनेजमेंट को वो ज़रा देख लें। एलीट मॉडल जो बनाया जा रहा था, जी मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ, इसकी 600 पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट थी, लेबर कॉस्ट 100 थी और जो पर यूनिट फैक्ट्री ओवरहेड बनता है अंडर ABCO 108 बनता है, ठीक है। जबकि जो प्रेफर्ड मॉडल है उसकी मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 320 है। मैं ऊपर से ही कॉपी कर रहा हूँ, 80
लेबर कॉस्ट है और जो फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट बनती है वो 275 है, ठीक है। अगर हम इनका टोटल कर लें तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। ये आप जो ले रहे हैं जी, ये डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड एब्रीवेशन और टोटल कॉस्ट ये बनती है। ये पर यूनिट है बिकॉज अभी हमने इनको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई नहीं किया। तो 10 प्लस दिस प्लस दस 808 की कॉस्ट बनती है, तो और यहाँ पे जो कॉस्ट बनती है वो 675 की है। मैनेजमेंट जो कंसिडर कर रही थी वो यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। ग्रॉस प्रॉफिट जो पहले मॉडल का वो 525 था बिकॉज $1400 प्राइस थी और 875 की कॉस्ट थी। तो अगर अब हम प्रॉफिट निकालना चाहें तो सेल प्राइस जो है वो हमें पता है, सेल प्राइस इलीट की है जी वो 1400 है। इसमें से माइनस कर सकते हैं आप कॉस्ट जो कि 808 की है और प्रॉफिट निकाल सकते हैं आप जो आपकी सेल प्राइस है उसमें से ये माइनस कर दिया जाए तो 592 का आपका प्रॉफिट बनता है। सो ये एलीट मॉडल का प्रॉफिट है। अगर हम दूसरी प्रोडक्ट का निकालना चाहें तो उसकी प्राइस बताएगी है 1100 और 540। पहले कॉस्ट थी 1100 सेल प्राइस है, इसमें से माइनस कर दें अगर आप, जो आपकी कॉस्ट है वो 675 है, और अगर माइनस करके रिजल्ट निकालें तो आपके सामने है कि जो प्रोडक्ट आप पहले प्लान कर रहे थे कन्वेंशनल कॉस्टिंग की बुनियाद पे, कि जो कन्वेंशनल कॉस्टिंग है उसके मुताबिक जो एलीट मॉडल है उसका प्रॉफिट 525 है जबकि प्रेफर्ड का 560 प्रॉफिट है, और आप इस बुनियाद पे ये डिसाइड कर रहे थे कि एलीट मॉडल को आप सिलीट कर दिया जाए और प्रेफर्ड मॉडल को कंटिन्यू किया जाए, लेकिन बेस्ड अपॉन द एनालिसिस ये पता चलता है कि ऐसा करना सूदबंद नहीं होगा बिकॉज असल में जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है बेस्ड अपॉन एक्यूरेट कॉस्टिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वो हमारा एलीट प्रोडक्ट है इंस्टेड ऑफ प्रेफर्ड। मैनेजमेंट वाज आस्किंग यू अबाउट क्या इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू जो डिसीजन किया जा रहा है क्या ये सही डिसीजन है, और हम मैनेजमेंट को इसके बारे में एडवाइस करें। तो बेस्ड अपॉन दिस एनालिसिस दिस इज नॉट राइट टू ड्रॉप यू नो द प्रोडक्शन ऑफ एलीट मॉडल। आपको एलीट मॉडल बनाना चाहिए, प्रेफर्ड का प्रॉफिट उतना नहीं है। आई होप बात समझ आई होगी। इफ स्टिल देयर इज एनी क्यूरी एनी क्वेश्चन सवाल पूछ सकते हैं आप। सो बाय रेजिंग हैंड और बाय राइटिंग अ क्वेश्चन आप सवाल पूछ सकते हैं। Geez, so there's no question again. Chali, that's great. Koi sawal nahi hai to. Ji, understood, Janjib sahab, that's great. Ji. Okay. Chali, ji. So there's another one. जी अब्बास रजा, मैं वो क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ, उसमें आप जो सवाल है वो मुझे ज़रा लाइव पूछ लें ज़रा बेहतर होगा। अच्छा जनाब गुफरान साहब ने ये सवाल पूछा, अगर एबीसी का रिजल्ट अच्छा है तो कंपनी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड क्यों यूज़ करती है? जेंटलमैन जब स्लाइड्स आपके साथ शेयर हुई थी
तो उसमें आपको बताया गया था कि प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर। अब जेंटलमैन आप तो सवाल कर रहे हैं ना, इसके अंदर दो तीन सिर्फ आपकी प्रोडक्ट्स हैं और दो तीन ही एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स हैं और दो तीन ड्राइवर्स हैं, और आप उन्हीं प्रोडक्ट के लिए ये अलग अलग आपको ड्राइवर की क्वांटिटी लिखी लिखाई मिल गई है। ज़रा इसको प्रैक्टिकली इमेजिन करें, वो इदारे जो थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनको पहले अपने इदारे के अंदर कॉस्ट पूल डिफाइन करने पड़ेंगे। कॉस्ट पूल डिफाइन करने के बाद जो जो एक्टिविटी होगी ये भी मेयर करना पड़ेगा कि वो एक्टिविटी किस प्रोडक्ट के लिए कितनी हो रही है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो आपको पता होना चाहिए किस प्रोडक्ट के लिए मटेरियल परचेज करने का ऑर्डर मिला है। तो वो जितनी प्रोडक्ट्स होंगी आपको इस तरह प्रोडक्ट वाइज लॉग रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, एक्टिविटीज को ट्रेस करना पड़ेगा टू ईच ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये टाइम टेकिंग भी है और पैसे भी लगेंगे इस पे। मतलब आइडियल सॉल्यूशन ज़रूर है, ये नहीं है कि ये चीज़ बुरी है। इदारे फॉलो या इस्तेमाल सारे ही नहीं करते, तो जवाब नहीं है, सारे करते भी होंगे कोई ना कोई, और कुछ नहीं करते। तो नहीं करने की रीज़न इस चीज़ का बुरा होना नहीं है, बल्कि इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन की कॉस्ट का इन्वॉल्व होना है। आप ज़रा इस चीज़ को रिलेट करें प्रैक्टिकली। आजकल जैसे ईआरपी का ज़माना है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एज है, तो बहुत सारे इदारे जो अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे कर रहे होंगे, बट स्टिल देर आर मैनी जो कि नहीं कर रहे होंगे। तो अगर वो नहीं कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। कॉस्ट फैक्टर है जिस वजह से वो नहीं कर रहे हैं। जी, तो मैं ये बता रहा था, सॉरी दरम्यान में ड्रॉप हो गई थोड़ा सा, वो ऑब्जेक्टिव अगर सिस्टम में यानी वो ईआरपीज इंप्लीमेंट करना करने का भी रिजल्ट्स को बेहतर बनाना है, लेकिन हर इदारा ईआरपीज को उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं कर रहा। उसकी रीज़न उस चीज़ का अच्छा बुरा होना नहीं है, बल्कि उस चीज़ में कॉस्ट का इन्वॉल्व होना है। सो एवरी स्मॉल लार्ज स्केल बिजनेसेस होते हैं वो तमाम के तमाम एक ही तरह के सेटअप्स रन नहीं कर रहे होते, कॉस्ट फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे जो कॉस्ट इन्वॉल्व है टू एक्यूमुलेट ऑल सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ प्रोडक्ट वाइज, फिर उनकी कॉस्ट एक्यूमुलेट की जाए एक्टिविटीज़ की, और देन उसकी बुनियाद पे रेट और एलोकेशन ऑल दैट किया जाए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इसके अंदर कुछ लिमिटेशन है जिस वजह से प्रैक्टिकली इदारे इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। बट सामर जब ये डिसीजंस करने होते हैं इस तरह से, ये नहीं है सारी प्रोडक्ट्स पे इंप्लीमेंट नहीं करते, लेकिन कुछ ना कुछ एनालिसिस करके बेस्ड अपॉन दैट दे आर इन अ बेटर पोजीशन टू डिसाइड। सेकेंडली, ये जो इवॉल्विंग चीज़ें होती हैं इनको मैच्योर होने में और लोगों की प्रैक्टिस बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो दिस इज़ न्यू एवोल्यूशन, ये अनकरीब चीज़ें सेटल हो जाएंगी, मैच्योर हो जाएंगी और चीज़ें बेहतर बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगी। ठीक है, लोग अप्लाई करेंगे, फॉर्मली हर कोई अप्लाई कर रहा होगा। जी, मैं वो जो साहब सवाल पूछ रहे हैं मैं वो शेयर करता हूँ जी, पर उसको बात कर लेते जी। ये बात सुधा, मैंने ये क्वेश्चन सामने शो कर दिया, अब आप ज़रा लाइव अपना क्वेश्चन पूछें, हैंड रेस करें, मैं आपको अलाउ करता हूँ बात करके, आप सवाल पूछेंगे। जी जी अब्बास रजा, पूछें, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। जी सर, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें सर शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट है सर, उसकी बेस क्या होगी?
जेंटलमैन वो तो लिखी हुई है, उसमें मैंने क्या बताना है ये देखें, ये अगर आप नजर आ रही है, यूजिंग एबीसी मेथड विद द फॉलोइंग कॉस्ट ड्राइवर, शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट जो बेस है वो मशीन आवर्स बताए हुए हैं, स्केजुलिंग कॉस्ट की बेस जो है वो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन बताए हुए हैं, सेटअप कॉस्ट है उसका ड्राइवर नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन बताए हैं, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट है, और यही चार कॉस्ट हैं 8 to 50 की, फिर स्केजुलिंग कॉस्ट है, फिर सेटअप कॉस्ट है, और फिर ड्राइवर्स बताए हुए हैं, इन्हीं ड्राइवर्स को यूज करेंगे। मैं और आप हो सकता है इस ड्राइवर से जो लिखा हुआ मुत्तफिक ना हो, माइंड बट दिस इज नॉट द प्रैक्टिकल सिचुएशन, ये एक डेमो क्वेश्चन है, इसके अंदर हो सकता है आप कह रहे हो इसका ड्राइवर कोई और होना चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रैक्टिकली इस तरह से चीज़ें फाइनलाइज की जाती हैं वो एक इंटरेक्टिव डिस्कशन के नतीजे में प्रोडक्शन के लोग, अकाउंट्स के लोग कलेक्टिवली मीटिंग्स करेंगे और उसके नतीजे में जो बेस्ट ड्राइवर होगा उसको फाइनलाइज कर। समझ आई होगी, अगर स्टिल कोई इशू हो तो पूछें। नो सर, थैंक यू जी। इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल है तो भी पूछ सकते हैं। आई डोंट नो कि आप लोगों ने करने की कोशिश की है या नहीं की, की है तो अच्छी बात है। बहरहाल मैं ये फोर्थ क्वेश्चन आई वांट टू शेयर बताना चाहूँगा, बाकी अगर कोई और सवाल जहन में है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है जी, ओके। इट सीम्स टू बी कि नो वन हैज इनफैक्ट ट्राइड पढ़ने की कोशिश नहीं की, इसलिए कोई सवाल भी नहीं है। एनीवेज, दिस इज असलम एंड कंपनी प्रोड्यूस अबाउट 100 प्रोडक्ट। जैसे अभी मैं सवाल वो जो साहब ने पूछा उसका जवाब दे रहा था, ये नहीं है ये बुरी चीज़ है इम्प्लीमेंट कर रहा है, फिर भी लोग कन्वेंशनल फॉलो कर रहे हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं जिस बुनियाद पे उसको अप्लाई या उस तरह से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा होता, चीज़ वो बुरी नहीं होती। तो क्या चैलेंज है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी अबाउट 100 प्रोडक्ट्स बना रही है, वो खुद समझें अगर 100 प्रोडक्ट्स हैं तो उनको बनाने के लिए शायद हज़ारों एक्टिविटीज़ हो रही हो, और अगर वो हज़ारों एक्टिविटीज़ 100 प्रोडक्ट्स के लिए आप उन एक्टिविटीज़ के ड्राइवर्स की क्वांटिटी अलग अलग प्रोडक्ट वाइज कैलकुलेट करें तो ये मोर देन मिलियन बनती है अमाउंट। तो वो मोर देन मिलियन ड्राइवर्स आपको प्रोडक्ट वाइज फिगर्स कैलकुलेट करना पड़ेंगे और देन जाके आप उसको डिप्लॉय कर सकेंगे। इसी की लाइट में यहाँ पर देखा हुआ है कि इट्स लार्जेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इज एक्स एंड स्मॉलेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इज वाई, रेलेवेंट डेटा इज गिवन बिलो। उन्होंने तमाम के तमाम 100 प्रोडक्ट्स पे इसको डिप्लॉय करने के बारे में नहीं सोचा ऑर्गेनाइजेशन ने। ऑर्गेनाइजेशन हैज डिसाइडेड जस्ट टू अप्लाई इट ऑन ओनली 2 प्रोडक्ट्स, उसमें से एक एक्स प्रोडक्ट है और एक वाई प्रोडक्ट है, एक लार्जेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है और एक स्मॉलेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, कम से कम बिक रही है। यूनिट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस पर एनम बताए हुए हैं, 5000 प्रोडक्ट एक्स के बिकते हैं और प्रोडक्ट वाई के 1000 बिकते हैं, तो अगर इन दोनों का सम करें तो ये तो 6000 बनते हैं, लेकिन जो टोटल प्रोडक्ट के यूनिट्स बताए हुए हैं वो 50000 हैं, मतलब दोनों का टोटल जो है वो 50000 नहीं बन सकता। वजह 100 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, अभी आपको डाटा 100 प्रोडक्ट्स का नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स का दिया गया है। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट बताई गई है दोनों प्रोडक्ट के लिए 1-1, तो अगर मटेरियल की अमाउंट निकालना चाहें तो 5000 × 1 × 1000 × 1, फिर डायरेक्ट लेबर पर यूनिट बताया हुआ 15 मिनट लगते हैं, 15 मिनट्स, तो टेक्निकली ये 0.25 आवर्स हैं, यानी 15/60 15/60 मिनट्स करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कितने आवर्स लगते हैं पर यूनिट, 0.525 आवर्स पर यूनिट लगते हैं दोनों प्रोडक्ट को बनाने के लिए। मशीन टाइम पर यूनिट 1 आवर बताया हुआ है, तो 1 आवर अगर लगता है ए प्रोडक्ट के लिए, एक्स प्रोडक्ट के लिए तो 5000 आवर्स, और प्रोडक्ट वाई के लिए 1 घंटे से मल्टीप्लाई करें तो 1000, तो 6000 आवर्स टोटल लगते हैं, जबकि यहाँ पे टोटल मशीन आवर्स अगर आप देखें तो वो 6 लाख लिखे नज़र आ रहे हैं आपको, वो 6 लाख मशीन आवर इस वजह से हैं कि इन दोनों प्रोडक्ट के अलग अलग 5 और 1000 तो 6000 बनते हैं, लेकिन चूँकि तमाम प्रोडक्ट्स मिल के जो यूनिट्स बन रहे हैं उनके वो 100 प्रोडक्ट्स हैं, तो उन तमाम के जो यूनिट्स मिल मिला के बनते हैं वो तकरीबन 6 लाख के करीब मशीन आर्ट्स बनते हैं उसके जी। ठीक है,
इसके बाद लिखा हुआ है नंबर ऑफ सेटअप्स पर एनम, दोनों प्रोडक्ट के नंबर ऑफ सेटअप्स खुद से कैलकुलेटेड बताए हुए हैं, 24 सेटअप लगते हैं, दो सेटअप लगते हैं, तो 24 और दो 26 सेटअप बनते हैं, लेकिन टोटल जो सेटअप्स हैं वो 500 लगते हैं। इन दोनों का टोटल 500 नहीं है, ये टोटल इदारे के जो सेटअप्स हैं जिसमें 100 प्रोडक्ट्स बन रही है उनकी तादाद बताई गई है। फिर इसी तरह से नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ टाइम्स मटेरियल हैंडल्ड बताया हुआ है, 200 दफ़ा मटेरियल, सॉरी 25 ऑर्डर्स बताए हुए हैं, 3642 ऑर्डर बनते हैं लेकिन टोटल ऑर्डर्स 2800 हैं। लाइक वाइज नंबर ऑफ टाइम्स मटेरियल हैंडल 200 टाइम और 15 टाइम्स, टोटल जो मटेरियल हैंडलिंग टाइम्स हैं वो 12000 हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर आर जो है वो बताई हुई है आपको 5, और इसके अलावा टोटल मशीन आर्स बताए हुए हैं जी 600,000। अब सेटअप कॉस्ट बताई है, परचेजिंग कॉस्ट बताई है, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट बताई है, मशीनिंग कॉस्ट बताई है, बट देयर इज नो ड्राइवर एट ऑल, ये नहीं बताया गया कि ड्राइवर कौन सा है। तो अब आप जितना थोड़ा बहुत पढ़ा है उस नॉलेज को अगर इस्तेमाल करें तो सूटेबल ड्राइवर होता है जो मोस्ट सूटेबल बेस होती है। तो सेटअप कॉस्ट का ड्राइवर विद अवेलेबल इंफॉर्मेशन हमें लगता है कि नंबर ऑफ सेटअप्स ही होगा जो ऊपर लिखे हुए हैं। परचेजिंग कॉस्ट का ड्राइवर परचेज ऑर्डर्स होगा बिकॉज ऊपर परचेज ऑर्डर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मैंशनड है। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट का ड्राइवर नंबर ऑफ टाइम्स मटेरियल हैंडल्ड होगा। मशीनिंग कॉस्ट का ड्राइवर नंबर ऑफ मशीन आवर्स होंगे। तो ये आप टोटल क्वान्टिटी ऑफ कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड करेंगे तो आपको रेट मिलेगा। जैसे ये सेटअप कॉस्ट है 280,000, इसको डिवाइड करेंगे टोटल सेटअप से 500, तो एक रेट मिलेगा, यानी 280 डिवाइडेड बाय अगर 500 करते हैं तो यू मे चेक इट कि आपको कितनी रेट बनता है, यू मे कैलकुलेट इट। जी जी हम कह लेते हैं कैलकुलेट 280,000 डिवाइडेड बाय जी डिवाइडेड बाय 500, तो ये 560 पर सेटअप रेट बनेगा। रेट 560 पर सेटअप है। अगर आपने एक्स प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है तो रेट को 24 से मल्टीप्लाई करें, वाई प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लें, एंड सो ऑन। इसी तरह से ये बात चलती रहेगी, आई होप की बात समझ आई होगी। तो इसी तरह रेट बनाएंगे और रेट प्रोडक्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था, इसके अंदर भी इसी तरह से था कि आपको ड्राइवर्स के बारे में नहीं बताएगा, बट यू नीड टू डिफाइन ड्राइवर्स बेस्ड अपॉन द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। शोर लाइन, रेडियो कंपनी मैन्युफैक्चर्स 4 टाइप ऑफ रेडियोज, नेमली रेड, वाइट, ग्रीन, पिंक, यूजिंग द सेम प्लांट एंड प्रोसेस। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेट्स टू द प्रोडक्शन फॉर द ईयर एंड दिसंबर 31st। वॉल्यूम बताया हुआ है नंबर 4, 3, 6, 5,000। मशीन टाइम पर यूनिट बताया हुआ है, तो अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 को 3000 से, 2 को 6000 से, 5 को 1000 से, तो आपको आर्स मिल सकते हैं। नंबर ऑफ सेटअप्स, नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर्स, नंबर ऑफ टाइम्स मटेरियल वाज हैंडल्ड, नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट्स यूज्ड, ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इस सारी अवेलेबल इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे हम पहले आगे डाटा पढ़ लेते हैं। डिटेल्स ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड प्रेजेंटली बीइंग एलोकेटेड ऑन अ मशीन आवर बेसिस। कंपनी अभी जो बेसिस इस्तेमाल कर रही है वो मशीन आवर बेसिस हैं, और अगर जी जो मशीन आवर बेसिस पे कंपनी इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अब जो है वो पूल्स बना दिए हैं यहाँ पे। जी एफओएच कॉस्ट एप्लीकेबल टू मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटीज, सेटअप कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑर्डरिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेयर पार्ट्स है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन मौजूद है। कंपनी मैनेजमेंट इज ऑफ द कंपनी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट एलोकेशन ऑफ ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर रेट एंड इंटेंड्स टू चेंज द बेसिस टू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे अगर आपने अप्लाई करना है तो फिर आपको ड्राइवर खुद से यहाँ पर तलाश करें। जो मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटीज हैं उसका ड्राइवर मशीन आवर्स होगा, जो सेटअप कॉस्ट है उसका ड्राइवर नंबर ऑफ सेटअप्स होगा, मटेरियल ऑर्डरिंग के कॉस्ट का नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग का मटेरियल नंबर ऑफ टाइम मटेरियल वॉज हैंडल्ड, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेयर पार्ट्स का नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट्स। तो अगर कोई ड्राइवर नहीं बताया हुआ तो कॉमन सेंस यूज करेंगे विद हेल्प ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंगली आप उसको ड्राइवर एलोकेट करेंगे और आप सॉल्व करेंगे व्हाटएवर इज इन फ्रंट ऑफ यू।
सो अगर कोई सवाल है अभी तो फिर बातें डिस्कस हो गई हैं, देयर इज एनी क्वेश्चन, अगर समझ में आने में कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। सो इफ इट्स क्लियर तो कोई कंफर्म कर दीजिए बात समझ आ गई है। ये बात रजा आप बात कर सकते हैं जी सर, अगर कॉस्ट पुल अदर कॉस्ट हो तो सर उसकी बेस क्या होगी? सॉरी दोबारा बोलिएगा। जी सर, अगर कॉस्ट पुल अदर कॉस्ट हो तो उसकी बेस क्या होगी? कौन सी कॉस्ट हो जेंटलमैन? सर जिसमें लिखा होता है अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट, ओके जी सर। जेंटलमैन अदर कॉस्ट जो थी वो हमने कहा था प्रोडक्ट्स को एलोकेट नहीं होती, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम इसी चीज को बिलीव करता है कि हर प्रोडक्ट को सिर्फ वो कॉस्ट असाइन होगी जो उस प्रोडक्ट के लिए किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने की वजह से इनकर हुई है। ऐसी कॉस्ट को हमने लास्ट में एक्टिविटीज पढ़ी थी जिन्हें ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनिंग एक्टिविटीज कहते हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाली एक्टिविटीज की वजह से अदर कॉस्ट इनकर हो रही है वो प्रोडक्ट्स को असाइन नहीं की जाएगी, उसका ड्राइवर होगा ही नहीं, इसीलिए तो वो असाइन नहीं की जा रही, उसका रेट भी कैलकुलेट। तो सर फिर वो पीरियड कॉस्ट होगी। जेंटलमैन पीरियड कॉस्ट हो। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। जी आपने कहा अब्दुल सबूर साहब मटेरियल कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन टू में, मैं जरा क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ और आपके सवाल को आंसर कर देता हूँ। जी क्वेश्चन टू में जेंटलमैन आप मटेरियल कंपोनेंट्स की बात करें, ओके क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। अल्फा प्रोडक्शन कंपनी प्रोड्यूसेस फोर प्रोडक्ट पी क्यू आर एस, डाटा फॉर द पास्ट ईयर इज गिवन बिलो। पी क्यू आर एस प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट आउटपुट एंड यूनिट्स बताई हुई है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स बताया हुआ है, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट बताए हुए हैं, मशीन आवर्स पर यूनिट बताए हैं, मटेरियल कंपोनेंट कॉस्ट पर यूनिट है और मटेरियल कंपोनेंट्स पर यूनिट बताए हुए हैं। तो ये एक यूनिट के कंपोनेंट है, जितने यूनिट्स बना रहे हैं इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स मिलेंगे। 25 × 8, 25 × 5, 250 × 8, 250 × 6, ये नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बनेंगे। जी जिनका सवाल था अगर समझ आई है तो हो गया। तो सवाल है तो जी पूछ सकते हैं। मैंने तो इसीलिए प्रैक्टिस मटेरियल इन एडवांस शेयर किया था, बट इनफैक्ट सिंस आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है तो इशू ही नहीं है, या प्रैक्टिस करने किया नहीं है, ये दोनों चीज़ें आपको खुद अंडरस्टैंड करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करें। मैंने इसीलिए लास्ट टाइम ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था और आज का दिन इसी चीज़ पर रखा था। इफ देयर विल बी एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, बिकॉज ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, यूजली एग्जाम में ज़रूर इसमें से कुछ ना कुछ पूछा जाता है, तो इट्स मोर देन अप्रोप्रिएट कि अगर आप इसको प्रैक्टिस करें और समझें थॉरली। कल मैं एक सवाल और पढ़ देता हूँ आपके लिए। लग्जरी फर्नीचर डिजाइन एंड बिल्ड फैक्ट्री मेड प्रीमियम वुड आर्मरीज फॉर होम ऑल आर ऑफ वाइट ओक, इट्स बजटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट फॉर द ईयर 2014 आर एज फॉलोस। एक सेकंड जरा आप 2 मिनट के लिए मुझे दीजिएगा, मैं बात करता हूँ दोबारा।
जी ओके इट्स बजटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट फॉर द ईयर 2014 आर एज फॉलोज परचेजिंग हैंडलिंग मटेरियल प्रोडक्शन जिसमें कटिंग बिलिंग और फिनिशिंग की कॉस्ट है सेटिंग अप मशीन्स की कॉस्ट है इंस्पेक्टिंग की कॉस्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल की कॉस्ट है यूटिलिटीज की कॉस्ट है इन तमाम कॉस्ट का सम जो है 550,000 बनता है फॉर द लास्ट फोर ईयर लग्जरी फर्नीचर हैज बीन charging overhead to the products on the basis of material cost. Company material cost ki percentage ke taur pe overhead ko charge karti rahi hai for the past 4 years. For the year 2017 material cost is 500,000 were budgeted. Agar 5 lakh iska budget hai aur 550,000 factory overhead hai to aap rate bana sakte hain 550,000 divided by 500 into 100 to ye 110% banta hai. Jim Brigham owner manager of luxury furniture recently directed his accountant Bob Broke to implement an activity based costing system that has he has repeatedly proposed at Jim Brigham's request Bob and the production foreman identify the following cost driver and their usage for the previously budgeted overhead cost pools ye wo tamam cost pools bataye mein hain inke ye drivers bata diye aur drivers ki क्वांटिटी भी बता दी गई है तो ये ओवरहेड्स मौजूद हैं ये ड्राइवर्स की क्वांटिटी मौजूद है इनको डिवाइड करेंगे तो रेट निकल आएगा आपके पास डेबी स्टेनर सेल मैनेजर हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ 12 लग्जरी आर्मरीज फ्रॉम थॉम्स इंटीरियर डिजाइन एट डेबीज रिक्वेस्ट बॉब प्रिपेयर्स कॉस्ट एस्टिमेट फॉर प्रोड्यूसिंग 12 आर्मरीज अगर 1200 आर्मरीज बनानी है तो ये उसने सारी कैलकुलेशन की है सो दैट डेबी कैन सबमिट अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर आर्मरी टू द फॉर्म्स ही एक्युमुलेट्स द फॉलोइंग डेटा डायरेक्ट मटेरियल इतना लगेगा डायरेक्ट लेबर 3500 डायरेक्ट लेबर आवर्स बताए हैं 200 परचेज ऑर्डर्स जो होते हैं वो 3 हैं और मटेरियल मूव्स जो हैं वो 32 हैं यानी वो ड्राइवर्स की क्वान्टिटी यहाँ पर बता दी गई अब आपको यहाँ पे जो रेट निकालेंगे ये 500 और ये जो कॉस्ट है 45 इसको डिवाइड करके तो परचेजिंग की कॉस्ट का अनुसार नंबर ऑफ ऑर्डर्स है तो ये एक ऑर्डर है जो किसने दिया है थॉम ने तो एक से मल्टीप्लाई करिए परचेज ऑर्डर्स है सॉरी 3 तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे मटेरियल मूव्स 32 हैं जो अगली कॉस्ट थी उसका अनुसार नंबर ऑफ मूव्स पे था तो नंबर ऑफ मूव्स की बुनियाद पर आप इसको जो रेट निकलेगा उसकी बुनियाद पर एलोकेट करेंगे और बेस्ड अपॉन दैट फिर आप डिसाइड करेंगे व्हाट टू डू इन फ्यूचर जी मैं एक और फिर पढ़ देता हूँ स्मिथ एंड जॉन्स इज अ लॉ फर्म मैंने ये सवाल इसलिए चूज किया बिकॉज यूजुअली इट इज बीइंग थॉट के जितनी भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है शायद इसका ताल्लुक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ है बट मेक इट श्योर मेक इट रियलाइज्ड दैट जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होते हैं उनको ऑब्जेक्टिव भी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो लाइक वाइज जो हमारे जो इदारे हैं जिन्हें हम दूसरे लफ्ज़ों में जो जी सर्विसेज कंसर्न कहते हैं या ट्रेडिंग कंसर्न दे आर आल्सो इंटरेस्टेड मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट सो एवरीवन इज यूजिंग द कॉस्टिंग टेक्निक्स विच आर बीइंग डेवलप्ड लेटेस्टली और उसके अकॉर्डिंगली वो अपने डिसीजंस को भी फ्रेम करते हैं तो यहाँ पे इसी तरह से ये लिखा हुआ है कि एक कंपनी है जो लॉ फर्म है वो सर्व करती है दोनों तरह के इंडिविजुअल्स को लेकिन दो तरह के इंडिविजुअल्स की बात हो रही है जी सॉरी किन दो क्लाइंट्स की बात हो रही है द लॉ फर्म दैट सर्व बोथ इंडिविजुअल एंड कॉरपोरेशंस अ कॉन्ट्रोवर्सी हैज बीन डेवलप्ड बिटवीन द पार्टनर्स of the two services lines as to who is contributing greater amount to the bottom line kaun banda zyada contribute kar raha hai profit ke andar bottom line mean whatever is left at the end of business the area of contention is the assignment of overhead the individual partners argue for assigning overhead on the basis of 30% of direct labor dollars while corporate partner argues the while the corporate partners argue for implementation activity based costing
एक जो पार्टनर है वो 30% आप डायरेक्ट लेबर डॉलर यानी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेस पे बात कर रहे हैं कि इतना ओवरहेड चार्ज कर दिया जाए, लेकिन जो दूसरे तरफ है वो दूसरा पार्टनर है वो एबीसी सिस्टम अप्लाई करने की बात करें, द पार्टनर्स एग्री टू यूज नेक्स्ट ईयर बजटेड डेटा फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस एंड कंपैरिजन फॉलोइंग ओवरहेड डेटा टू डेवलप द कंपैरिजन। ये एक्टिविटी कॉस्ट पूल बताया है एम्प्लॉय ट्रेनिंग डायरेक्ट लेबर आर की बेस पे, एम्प्लॉय ट्रेनिंग के बाद टाइपिंग एंड सेक्रेटेरियल की कॉस्ट जो नंबर ऑफ रिपोर्ट्स की बुनियाद पे एलोकेट होगी, कंप्यूटिंग कंप्यूटर से रिलेटेड जो कॉस्ट है नंबर ऑफ मिनट्स के हिसाब से है, फैसिलिटी रेंटल जो रेंट पे किया जाता है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बुनियाद पे है, ट्रेवल जो है वो पर एक्सपेंस रिपोर्ट जितना, ये एस्टिमेटेड ओवरहेड्स बताए हैं, ये एक्सपेक्टेड यूज ऑफ कॉस्ट ड्राइवर बताया है, ये बताया है जनाब इसका ड्राइवर जो है वो ये डायरेक्टली उन्होंने एलोकेट किया है दोनों प्रोडक्ट्स को, देखें 48 और 22 दोनों का सम करें तो वो 70 बनता है, यहाँ पे ड्राइवर्स दिए हमें ये डायरेक्टली एलोकेट हो जाएगी दोनों कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल क्लाइंट्स को, लेकिन ये जो अमाउंट्स हैं ये पहले रेट बनेगा 120/160, 60,000 / 2,000 पर मल्टीप्लाई करके 1,500 से आप दोनों प्रोडक्ट्स सर्विसेज के लिए बनाएंगे जो कॉस्ट है, और इस बुनियाद पे फिर आप जब कन्वेंशनल प्रोडक्ट कॉस्टिंग करते हैं तो कितनी कॉस्ट बनती है प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की, और इसी तरह से अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम अप्लाई करते हैं तो क्या कॉस्ट बनती है ये आप कैलकुलेट करेंगे, और देन यू वुड सजेस्ट कि विच ऑप्शन इज अप्रोप्रिएट एंड मोर सूटेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो मैं जी इतनी मतलब ये सारा मैं तो पढ़ सकता हूँ और मैं आपसे एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, बट इफ देर आर क्वेश्चन तो दे आर वेलकम्ड, आप अब कोई बात अगर इस टॉपिक से रिलेटेड करना चाहते हैं तो आप कर लें, अदरवाइज दिस इज फाइनलाइज फ्रॉम आर साइड, हम नेक्स्ट क्लास में बजटिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको डिस्कस करेंगे, तो अभी जहन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ऐसा होता है जब आप मेट्रो पे कार्डबोर्ड पे लगाए हो सो जी एनी क्वेश्चन इन योर माइंड जेंटलमैन लेडीज एंड जेंटलमैन हु आर अटेंडिंग एट द मोमेंट, देयर आर फ्यू अटेंडीज, कोई सवाल है तो पूछ रहे हैं, नहीं है तो मैं थोड़ी सी इनिशियल डिस्कशन बजटिंग के हवाले से बात शुरू कर देता हूँ। ओके नो क्वेश्चन, okay let me share the slides with you first, जी आई होप स्क्रीन नज़र आ रही होगी। बजटिंग हमारा अगला टॉपिक है, व्हाट इज मेंट बाय बजट, पहले इस चीज़ को आप रियलाइज करें अंडरस्टैंड करें और
उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें और फिर देखें इदारों में किस तरीके से बजट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। बजट यूजली प्लान को कहते हैं और हर प्लान या फोरकास्ट को भी कहते हैं, बट हर प्लान हर फोरकास्ट बजट नहीं कहला सकता। सो देयर आर सम स्पेसिफिक फीचर व्हिच इज बीइंग अटैच्ड टू अ बजट। बजट का हर किस मतलब अमाउंट्स में किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करना भी नहीं है। बजट इज इनफैक्ट एनी प्लान और फोरकास्ट व्हिच इज बीइंग क्वांटिफाइड। ऐसा प्लान या ऐसा बजट जिसको क्वांटिफाई कर लिया जाए तो वो बजट कहलाता है। बट नॉट एवरी प्लान और नॉट एवरी एस्टिमेट और फोरकास्ट कैन बी कॉल्ड एज बजट। यू हैव लिसनड अबाउट वेदर फोरकास्ट, लेकिन आप उसको वेदर बजट शायद नहीं कहते। इसी तरह यू यूजली मेक अ प्लान टू डू समथिंग, तो जो प्लान है वो प्लान तो ज़रूर है, बट दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ बजट। बजट इज इन फैक्ट अ प्लान विच इज़ बीइंग क्वांटिफाइड। ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन का बजट बनाने का? टू यू नो प्लान द थिंग और टारगेट, और उसकी बुनियाद पे आप फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिटर्मन करें व्हाट यू विल बी गोइंग टू डू, और अकॉर्डिंगली उसकी बुनियाद पे आप पर्टिकुलरली परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स बनाएंगे, परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई करेंगे। ऑब्जेक्टिव ये हरगिज़ नहीं है हमारा कि हम ये सारा काम इसलिए करने जाएंगे कि बजट बनाना है पर से का बजट। बजट्स बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप बजट्स बनाएं, इनको इम्प्लीमेंट करें और उनकी बुनियाद पे परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन भी करें, कंट्रोल सिस्टम भी डेवलप करें। तो बजट इज़ अ फॉर्मल प्लान और रिटन स्टेटमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्लान्स फॉर अ स्पेसिफाइड फ्यूचर टाइम पीरियड, एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स भी है, एक्सप्रेस्ड इन क्वान्टिटेटिव टर्म्स भी है। देखिए लाइक हम प्लान ये भी बनाते हैं कि बट वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस इन द कमिंग वीक, इन द कमिंग मंथ, इन द कमिंग ईयर, तो हम पैसों में वो प्लान नहीं बना रहे, वो क्वांटिटी में प्लान बना रहे हैं। तो इसी तरह जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आपने सुना है कि बजट बनाती है, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो जो बजट होता है वो प्लान ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस होता है कि गवर्नमेंट जो है वो कहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करेगी। गवर्नमेंट का सोर्स तो टैक्सेस ही हैं, बट कितना टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, और साथ ये भी होता है कितने लोगों से कलेक्ट करेंगे। यूजली इट इज़ बीइंग सेड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, कि हम टैक्स बेस को वास्ट कर रहे हैं। व्हाट इज मेंट बाय दिस टैक्स बेस? कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स जो हैं अब उनको ऐड कर रहे हैं। सो अगर आप नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स ऐड करेंगे, ज़्यादा टैक्स पेयर्स हो जाएंगे, जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा टैक्स मिलने की उम्मीद होगी। सो हम प्लान ये भी कर रहे हैं कि हमारे आइंदा आने वाले साल में कितने नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स होंगे, और हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि उन टैक्स पेयर से हम कितना रेवेन्यू टैक्स की सूरत में कलेक्ट करेंगे। सो एक प्लान जो मैनेजमेंट का फॉर्मल प्लान जो होता है, रिटर्न स्टेटमेंट है, किसी भी मैनेजमेंट प्लान के बारे में ख़ास पीरियड के लिए वो फाइनेंशियल या क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर उसको रिफ्लेक्ट किया जा सके। ऑब्जेक्टिव इसका दो तीन यहाँ पे जो फ़ायदे भी बताए गए हैं, एक तो प्राइमरी इसका तरीका का कम्युनिकेटिंग होता है, एग्रीड अपॉन ऑब्जेक्टिव्स थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इदारे का गोल क्या है, टारगेट क्या है, उसी को अचीव करने के लिए इदारा प्लान्स बनाता है, मैनेजमेंट प्लान बनाती है और अकॉर्डिंगली उस चीज़ को डिप्लॉय करती है। तो जो भी इदारे के प्लान्स हैं, इदारा उसको बनाता है और अप्लाई करता है और अकॉर्डिंगली लेके चलता है। तो ये एक प्राइमरी तरीका कार है इदारे के अंदर जो गोल्स की डेफिनेशन करने के साथ उसको थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करने का। सेकेंडली मैंने बताया कि इसका ऑब्जेक्टिव हरगिज़ सिर्फ बजट बनाना नहीं है, बल्कि इसको बना के इम्प्लीमेंट करना, और इम्प्लीमेंट करने के बाद एफिशिएंसी को जी प्रमोट करना, इदारे एफिशिएंसी को प्रमोट करना, मीन उसकी बुनियाद पे प्लान बनाया, इम्प्लीमेंट किया और इवेल्यूएट करेंगे कि हमने प्लान अगर अचीव किया है तो कैसे किया, और अगर नहीं अचीव कर पाए तो व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड दैट, क्यों नहीं अचीव कर पाए, अगर अचीव करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा एडिशनली। इसके अलावा ये कंट्रोल मैकेनिज्म के तौर पे एक्ट करता है, बिकॉज बेस्ड अपॉन बजट विच इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन ऑर्गेनाइजेशन, आप कंपेयर करते हैं कि जो आपने गोल सेट किए थे, टारगेट सेट किए थे, उनको अटेन किया है या नहीं किया, और उन्हीं की बुनियाद पे आप यूजली ऑर्गेनाइजेशन में रिवॉर्ड सिस्टम, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम्स डेवलप करते हैं।
जो बजटिंग है आमतौर पे ये बेस कर रही होती है हिस्टोरिकल अकाउंटिंग डेटा पे, आमतौर पे यूजुअली ये रेवेन्यूज का कॉस्ट का जो बजट होता है आमतौर पे जो जो पास्ट में हुआ उसकी बुनियाद पे हम फ्यूचर को प्रोडिक्ट कर रहे होते हैं। अकाउंटेंट्स नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैनेजमेंट के बजटिंग गोल्स को प्रेजेंट करने, प्रिपेयर करने के लिए, और एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की। अकाउंटेंट्स बना तो देते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना जो होता है वो मैनेजमेंट टीम का काम है, उसको ऑर्गेनाइजेशन पे इम्प्लीमेंट करे और अकॉर्डिंगली अपने गोल्स को अचीव किया जाए जो फॉर्मुलेट किए गए हैं। कुछ फ़ायदे बताए गए हैं, बेनिफिट्स ऑफ बजटिंग, इट रिक्वायर्स ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट टू प्लान अहेड। फ्यूचर के बारे में सोचे, कोई एक ना सोचे, तमाम सोचें। अगर आप इदारे का गोल बॉटम डिसाइड कर लेते हैं तो फिर उसकी बुनियाद पे प्रोडक्शन वाले लोग वो भी सोचेंगे, मार्केटिंग वाले लोग भी सोचेंगे, रिसोर्स प्लानिंग वाले लोग भी सोचेंगे, मटेरियल प्रोक्योर करने वाले एंड ऑल दैट, सो एवरीवन विल बी थिंकिंग ऑफ एस। तो मैनेजमेंट के तमाम जो फंक्शनरीज हैं दे विल प्लान अहेड कि कैसे करना है, प्रोवाइड डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स फॉर इवेल्यूएटिंग परफॉर्मेंस। डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं इससे कि परफॉर्मेंस को किस तरह से इवेल्यूएट करना है। अगर प्लान ही नहीं किया होगा कि हमने फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की सेल करनी है, हमारा टारगेट है, और सेल टीम अगर 1 लाख रुपए की सेल नहीं कर पाती तो वो इनएफिशेंट होगी। तो ये जो हम अगर टारगेट ही डिटर्मन नहीं करेंगे, गोल ऑब्जेक्टिव नहीं बनाएंगे, तो हाउ वी कैन असेस के कौन अप टू द मार्क परफॉर्म कर रहा है और कौन अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं कर रहा। लाइकवाइज इट क्रिएट्स एन अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। अर्ली वार्निंग सिस्टम है पोटेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर हमने प्लान किया, इम्प्लीमेंट किया और हमें नज़र आ रहा है कि वो टारगेट या गोल अचीव नहीं हो रहा, तो हमें एक वार्निंग मिल जाएगी, एक इशारा, एक अलार्म बज जाएगा कि अगर अभी हमने जो अपने गोल्स तय किए हैं अगर वो अचीव नहीं हो पा रहे तो एट द एंड ऑफ द ईयर देर माइट बी अ प्रॉब्लम, और हम प्रॉफिट्स के बजाय शायद लॉसेस में क्लोज कर रहे हों। ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने में भी फैसिलिटेट करेगा। लाइक अगर हमें पता हो कि हमने प्रोडक्शन कितनी करनी है और हम कम्युनिकेट करें प्रोक्योरमेंट करने वालों को, लेबर हायर करने वालों को कि जनाब हमें इतनी चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए इतना मटेरियल चाहिए, तो दे विल बी प्लानिंग अहेड कि हमने कितना मटेरियल कब परचेज करना है और कब ऑर्डर प्लेस करना है। तो वो भी इसी तरह से एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेटेड जब होके चलेंगी तो उसके नतीजे में रिजल्ट्स हैं वो बेहतर जनरेट हो सकते हैं। सो इसके अलावा रिजल्ट्स इन ग्रेटर मैनेजमेंट अवेयरनेस ऑफ द एंटिटीज ओवरऑल ऑपरेशंस। जब सब लोग कोऑर्डिनेट करके एफर्ट्स परफॉर्म कर रहे होंगे तो अल्टीमेटली इससे इदारे के रिजल्ट्स भी बेहतर होंगे। और अगर आप रिवॉर्ड पनिशमेंट सिस्टम इस बुनियाद पर डेवलप करते हैं कि टारगेट्स दिए गए, बजट बनाए गए, गोल असाइन किए गए और उसकी बुनियाद पर जिन्होंने उन गोल्स को अचीव कर लिया आप उनको रिवॉर्ड देते हैं, रिवॉर्ड पनिशमेंट सिस्टम डेवलप करते हैं, तो उसके नतीजे में जो इदारे के अंदर लोग हैं वो मोटिवेट भी होंगे और उनकी उस मोटिवेशन की बुनियाद पे ही उनकी उस मोटिवेशन की बुनियाद पे ही इनफैक्ट वो फ्यूचर के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें बेसिक मैंने अभी बजट के हवाले से शेयर की हैं। इदारों में बजट बनाने का प्रोसेस क्या होता है, यूजुअली जो बजट पीरियड होता है वो 1 साल का होता है आमतौर पे, लेकिन वो क्वार्टरली बेसिस भी बनाया जा सकता है, मंथली बेसिस भी बनाया जा सकता है, तो ये मैनेजमेंट की डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। तो बजटिंग का जो प्रोसेस है ये कैसे शुरू होता है और कैसे प्रैक्टिकली बजट्स प्रिपेयर करते हैं, विल बी टॉकिंग अबाउट ऑन सैटरडे इन द कमिंग क्लास। बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट ऑल कि ये जो स्लाइड शेयर हुई हैं इनको गो थ्रू करें, बुक से भी जो बजटरी प्लानिंग का चैप्टर है बजट के नाम से, बजट्स के नाम से होगा, और आइदर जी जी वो बजट्स के नाम से होगा, और आइदर मैं आपको जी वो चैप्टर नंबर बता देता हूँ बिकॉज यूजुअली पीपल आर नॉट अवेयर।
ये बुक के अंदर से चैप्टर मौजूद है मास्टर बजट के नाम से, मास्टर बजटिंग चैप्टर 8 है जी। आप इसको पढ़ें, इसकी थ्योरी भी पढ़ें और जो स्लाइड शेयर हुई हैं इनको भी गो थ्रू करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर हम इस पर फर्दर कंटिन्यू करेंगे, बजट्स को एक्सप्लेन करेंगे जी। ये लाहौर में जेंटलमैन जहाँ पे ICMA मौजूद है, इस बिल्डिंग के साथ वहीद बुक शॉप है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। राजा सदाम, आपने पूछा है बुक कहाँ से अवेलेबल होगी लाहौर में, तो वहीद बुक शॉप है ICMA की बिल्डिंग के एडजेसेंट, तो आप वहाँ से ये बुक अवेल कर सकते हैं। वेलकम जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंस लिसनिंग। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू इंशाल्लाह। जिंदगी रही कर तो डे आफ्टर टुमारो, टुमारो विल बी एन ऑफ डे जी। थैंक यू, गुड नाइट।